नमस्कार दोस्तों, सारा कंस्ट्रक्शन चैनल में स्वागत है एक बार फिर से आपका। काफ़ी समय बाद मैं एक और पुल का वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। खास बात यह है कि ये एक तरफ से पुल राउंड है, यानी कि एक तरफ से इसका हिस्सा गोल है। ये पुल है 30 फीट चौड़ा और 65 फीट लंबा ये पुल है। तो ये देख सकते हैं अभी RCC डाल रहे हैं 6 इंची। अगर इंडिया में कहीं भी आपको पुल बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो कॉलिंग के लिए वो नंबर अवेलेबल नहीं है। तो देख लीजिए, ये 1 फीट की सोलिंग हमने पहले ही कर दी थी, 2 इंच की PCC कर दी थी। अभी डबल जाल का सिरिया नीचे फ्लोर में डाला है, 6 इंची वापस RCC कर रहे हैं और वॉल में भी खड़ा सिरिया 10 mm का लगा रखा है सिंगल जाल, और बाहर की तरफ ईंट की चूड़े कर रखी है। तो देख सकते हैं आप, ये फिनोलेक्स के पाइप डाल दिए हैं 63 mm 2 इंच के, जो फिल्टर के लिए RCC से पहले डालने होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके अगर कोई ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई घर मालिक डायरेक्टली पुल बुला रहा है तो उसके भी बात समझ में आ जाए। ये देखिए, नीचे हमने 6 इंची RCC पहले कर दी थी सिरे डालने के बाद में। अब ये ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 5 दिन के अंदर आपको दीवार या वॉल की RCC साथ के साथ करनी है। ये बाहर की तरफ ईंट का बांध काम कर रखा है, अंदर की तरफ शटरिंग लगा रखी है और बीच में 5 इंची गैप है। उस 5 इंची गैप में मतलब अपन RCC मटेरियल डाल रहे हैं, जैसे मकान की छत वगैरह जैसे RCC डालते हैं वैसे। ये इस तरफ इसका हिस्सा राउंड है, ये देख सकते हैं आप। कई लोगों को ऐसा होता है, एंट्रेन आदमी पुल बनाता है तो वो पुल क्या मतलब गड़बड़ हो जाता है, कहीं बाद में लीकेज की प्रॉब्लम आती है वगैरह। ये देखिए, पुल भी ऐसी जगह बन रहा है, रिसोर्ट बना हुआ है, ये रिसोर्ट के हिसाब से ये पुल अच्छा चलेगा। अगर आपको भी इंडिया में कहीं भी पुल बनवाना है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए यूज़ करने हैं, कॉलिंग के लिए वो नंबर अवेलेबल नहीं है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसका राउंड फेस इस हिसाब से निकाल रखा है कि मान लीजिए इस पुल की चौड़ाई 30 फीट है तो 15.5 फीट सेंटर और इधर से भी 15.5 फीट सेंटर निकाल के मेन डिस्टेंस है 15.5 फीट। ये पूरा एक तरफ से गोल बना रखा है राउंड में पूरा। तो ये देख सकते हैं ये पुल आधा हो गया, मतलब इसका फाउंडेशन पूरा तैयार हो गया। अब इसमें काम बाकी है वाटर प्रूफिंग करके टाइल लगा के फिल्टर फिट करना। तो मतलब 4 काम हो चुके हैं, 3 काम इसके बाकी है। तो 3 काम अगले 15 दिन में हो जाएंगे क्योंकि अभी सीजन लग रहा था, थोड़ा काम जल्दी हो रहा है। तो ये सीजन के हिसाब से 20 दिन में पुल रेडी हो जाएगा। तो ये इसका एक भाग ये वीडियो है, दूसरा भाग अगला, ये तीनों काम होने के बाद में ये इसका आ जाएगा। ये इसका RCC फाउंडेशन पूरा तैयार हो गया। अब इसमें रिकवरी काम बाकी है जिसमें फिल्टर फिट करना, वाटर प्रूफिंग करना, टाइल लगाना, मतलब ये छोटा मोटा कुछ, जैसे पुल के चारों तरफ नाली बनानी 9 इंच बाई 9 इंच की, पुल का एक बैलेंस टैंक पहले से इसके साथ हम ईंट का जब बांध काम करते हैं तब तैयार कर देते हैं। अगर आपको भी मतलब ऐसा पुल बनवाना है तो ये बजट थोड़ा हाई जाता है इसका, अगर चौरस पुल के मुकाबले इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि गोल पूरा राउंड शेप है, इसकी राउंड शेप है जिधर से इसकी राउंड में वापस सीढ़ियाँ बनेगी वो भी पूरी ईटों में बनेगी। वो सीढ़िया बनने के बाद में इसमें वाटर प्रूफिंग होगा, फिर टाइल लगेगी और फिर फिल्टर लगेगा। तो देख सकते हैं आप, ये पुल आधा काम हो गया है। अगला वीडियो मैं आपको 15 दिन में इसका पूरा अगला वीडियो कंप्लीट होने के बाद लूँगा। ये पुल रिसोर्ट में बन रहा है और आपको भी पता है, इंडिया में कहीं भी पुल बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए।